हाय, कैसे हैं आप लोग? डरे हुए हैं? कोई डरा हुआ है यहाँ पे? बॉयज गर्ल्स तो होंगी ही ना। किस वजह से? परफॉर्मेंस या मतलब, खैर बॉयज का तो पता नहीं, बट गर्ल्स तो आई थिंक हर वक्त ही डरी रहती है ना। उनको तो सिखाया जाता है कि आपको डर के रहना है। यू शुड बी स्केयर्ड। घर से निकलो तो डरना है तुम्हें। बेखौफ नहीं रह सकती हो तुम। यूं खुले आम ऐसे ही कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो। यूं कुछ भी अपने ऊपर डालकर, सोना चांदी जेवर हीरा मोती कुछ भी नहीं निकल सकती हो। तुम्हें कोई राइट नहीं है। खैर ये मैं क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, कुछ 10 साल से कम की उम्र रही होगी मेरी, तो मैं एक दिन अपने गाँव गई थी। तो मेरी अम्मा उस टाइम पे, हमारे आंगन था, एक काफ़ी बड़ा आंगन है हमारे गांव में, घर में पेड़ भी है नींबू का, उसी को तोड़ के उसी को खाते हैं। उसके छांव में मेरी अम्मा खाट पर बैठी हुई हैं और उन्होंने अपने कानों में बालियां पहनी हुई हैं। बालियां सोने की हैं, जिसमें जैसे उसका आकार ऐसा है, जैसे ऊपर से बड़ा, उसके नीचे थोड़ा छोटा, फिर छोटा और नीचे घुंघरू, और सारे उस पर वाइट कलर के मोती लगे हुए हैं, भारी झुमकियाँ। तो मैं छोटी हूँ और मैंने उनसे बोला कि अम्मा कितनी प्यारी लग रही है, मुझे दे दो। अरे लाडो ले जा, तेरा ही तो है सब कुछ। अच्छा पहन के जाएगी कहाँ? मैं स्कूल। स्कूल पहन के जाएगी इतनी भारी बालियां? हाँ। किसको दिखाना है? दोस्तों। अच्छा देख, ले तो जा, मुझे दिक्कत नहीं है तेरे को देने में, पर देख ले सोने की है तो क्या हुआ, कोई छीन के ले गया तो? अम्मा सोना छीन लेते हैं? बेटा सोना क्या, इंसान इंसान की सारी कीमती चीजें छीन लेता है। सोना तो कुछ भी नहीं है कीमती चीज। सोना अम्मा क्या? चल तू ले जा, बाकी तेरी माँ तुझे बता देगी। वो बात जब मैं 10 साल की थी, तब मेरी अम्मा की कही हुई बात मुझे आज थोड़ी समझ आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सोना सोना तो छोड़ो, इंसान की कीमती चीजें इंसान छीन कर ले जाता है। वो इसलिए क्योंकि आज की डेट में आपके कान में सोना हो, आपके गले में सोना हो, और अगर कुछ भी ना हो ना, तो भी आपको डरने की जरूरत है। वो इसलिए नहीं कि आपके पास कोई कीमती ज्वेलरी है या ऐसा कुछ है, आप खुद इतने कीमती हो गए आजकल। बॉयज का तो पता नहीं मुझे, लेकिन गर्ल्स को तो समझा के भेजा जाता है कि ध्यान रखना, देख लो। मेरा पापा ने ना एक चेन बनवाई थी, एक अंगूठी पहनती हूँ सोने की, और इसको भी अपने दूसरे हाथ से ढककर जाती हूँ। चैन तो अभी तक लॉकर में ही रखी है, वो पहन के निकलने नहीं देते। कहते कि चैन का खोना तो हम अफोर्ड कर लेंगे बेटा, पर तेरी जान कहाँ से लाएंगे दूसरी, तू ज्यादा कीमती है। मैं ठीक है, मेरी ना कुछ ख्वाहिशें हैं अम्मा की उन झुमकियों के साथ। मैं उन झुमकियों को पहनकर रात में अकेले निकलना चाहती हूँ, बेखौफ निडर, कुछ भी कहीं भी सब कुछ आज़ादी से करना चाहती हूँ। और मुंबई जाना चाहती हूँ मरीन ड्राइव पर, आधी रात को वो गाना गाना चाहती हूँ, पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। सपना सपना रह जाएगा शायद। मेरा इतनी इच्छा है उन झुमकियों को पहनकर, बिना लोगों के जजमेंटल और उन सब को देखते हुए, नाइट सूट पर, शॉर्ट ड्रेस पर, शॉर्ट स्कर्ट में, कुर्तों में, सलवार में, जूतियों में, सैंडल में, स्पोर्ट्स शूज में, किसी के भी साथ पहन के निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी उन झुमकियों को देखकर मुझे कोई जज ना करे कि ये इसको शायद ड्रेसिंग सेंस नहीं है। मैं वो झुमकियों को पहनकर रात में बेखौफ इस तरह निकलना चाहती हूँ कि सामने से आती हुई गाड़ी की चमक, उसकी लाइट मेरे चेहरे पर पड़ने से पहले मेरी कानों के झुमकियों पर पड़े और वो बहुत चमके। मैं उन झुमकियों को पहनकर खुश होना चाहती हूँ, बेखौफ होकर घूमना चाहती हूँ। कितनी छोटी सी ख्वाहिश है ना मेरी, एक पोती अपनी अम्मा की बस झुमकियां ही तो पहनना चाहती है, वो झुमकियां जो उसकी अम्मा ने उसे ऐसे ही तोहफे में दे दी। लेकिन वो झुमकियां आज भी लॉकर में ही रखी है, आज तक कानों में आई नहीं मेरे।
मैं इस उस वेट में हूँ जब 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 मेरे पास वो मौका आए, जब ये समाज शायद थोड़ा बदल जाए, जब मेरे को ये बताया जाए कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम कैसे भी निकल सकती हो, तुम्हें झुमकियाँ पहननी है ना पहन लो, कोई तुम्हें छीन के नहीं ले जाएगा, ना झुमकियों को ना तुम्हारी इज्जत को। पापा को बोला था थोड़े दिन पहले कि जो आपने वो चैन बनवाई है वो दे दो, पहन लूंगी, इवेंट में जाना है मुझे, अच्छा लगेगा, चमकेगा। कहते बेटा देख ले, चैन जाए सो जाए, तू नहीं जानी चाहिए, तू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी तो एक ही बेटी है और अम्मा की तो तू एक ही है। पता नहीं कब वो ख्वाहिशें पूरी होंगी जो बचपन में एक 10 साल की बच्ची ने देखी थी, कि वो अम्मा की झुमकियां मेरी कानों में हो, छन छनाती हुई मैं चलती रहूं बेखौफ और गाना गाती रहूं, पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन की।